रोड पार करते ही साइंस सिटी का मेन गेट। सो गाइस, और यहाँ से लेंगे टिकट और अंदर जाएंगे, इसके अंदर इंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। का हाल है साइंस सिटी में? आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं और उन सभी चीज़ों के प्राइजेस क्या क्या हैं, यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस जगह पे आएंगे ऑनलाइन टिकट। सो गाइस, हम आए हैं आज साइंस सिटी और साइंस सिटी का व्यू हम आपको दिखाएंगे। ये है पार्किंग प्लॉट। पार्किंग का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। और अब इंटर करेंगे हम मेन गेट से और अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने टिकट चेक कराते ही हमें अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है। तो अंदर आ गए हम। इंटर करते ही यहाँ पे चार रास्ते आपको दिखाई देंगे और यहाँ से आपको किस जगह जाना है वो डिसाइड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आप देखेंगे साइंस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें, मंगल ग्रह पर लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले एंटर करेंगे, ये है चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर। ये है लाइब्रेरी और यहाँ पे आपको बुक्स रीड करने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है और बहुत ही सुकून की जगह है। इस लाइब्रेरी में आप किसी भी बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं और बैठने के लिए आपको टेबल, चेयर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, आप किसी बुक को रीड करने के लिए यहाँ से आप बुक्स को निकालिए और रीड कीजिए। सो गाइस, ये है साइंस सिटी की लाइब्रेरी। यहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं और पेपर पढ़ सकते हैं। पेपर को पढ़ने के लिए इस तरह से कुछ इस तरह से फंसाना है, जैसे यहाँ पर किसी पेपर को लिया और इस तरह से फोल्ड कर दें। फोल्ड करके हम यहाँ पे खोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और बैठने के लिए चेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप चेयर्स को लेकर बैठ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी पीछे जो आपको दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता। यह है ऑडिशनल रूम, यहाँ पर स्पीच दी जाती हैं। यहाँ पे कई सारी चेयर्स लगी हुई हैं और इसके अंदर फुल्ली एसी है। और हम इस लाइब्रेरी से बाहर आ गए और अब दूसरी तरफ जाएंगे। और इस मीटिंग रूम में मैं गया था, उसके अंदर फुल्ली एसी है और एसी के फैन बाहर लगे हुए हैं। और पीछे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट्स हैं लेडीज एंड जेंट्स। इसके बाहर यहाँ पे तालाब है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है और पीछे काम चालू है। यहाँ पे कुछ नया एक्सपेंसिव बनने वाला है इस मंगल ग्रह पे। आप लोगों को पता है मंगल ग्रह पे कई सारी रॉकेट्स जा चुकी हैं मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह पे पहले जो लंबी रॉकेट लॉन्चर है वो गई है, उसके बाद आपको स्पेस का नज़ारा दिखाई देगा, उसके बाद इस मिसाइल रॉकेट का नज़ारा दिखाई देगा। उसके बाद जो भी मंगल ग्रह पे एक रोबोट छोड़ा गया था वो रोबोट्स आपको दिखाई देगा साफ साफ। यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं, मंगल ग्रह पे ये रोबोट गया था और वहाँ पे कई सारी चीज़ें, कई सारी मूवमेंट वो कैप्चर कर रहा था। तो चलिए अब आपको अंदर इसके जाएंगे और व्यू दिखाएंगे। हमारे पीछे आप नज़ारा देख सकते हो, मिसाइल मैन तीन लोग हैं और पहली मिसाइल जो बनाई गई थी वो साइकिल पर गई थी लॉन्चिंग के लिए। तो मिसाइल मैन आपको बैक कैमरे से आपको उनकी फोटोज दिखा देता हूँ। ये स्पेस पे जाने के लिए रॉकेट, डुप्लीकेट रॉकेट है और इसके आसपास में जो चार तरीकों से लगे होते हैं, चार व्हीकल लगे होते हैं, ये ऊपर जाने के बाद अलग हो जाते हैं। पे बोर्ड लगे हुए हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं साइंस सिटी में घूमने के लिए, तो मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देता हूँ। चिल्ड्रन एक्टिव सेंटर, रेस्टोरेंट, एनर्जी पार्क, म्यूजिकल फंडेशन, प्लानट कर एग्जिट पार्किंग, और दूसरा है थ्रिल राइड, फ्राईकारी योकिस, हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस, सोडा गार्डन, पीवानु पानी, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप लोग इन जगहों पर घूम सकते हैं साइंस सिटी में आके।
ये है एक छोटा सा पार्क साइंस सिटी, और यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। रोबोटिक गैलरी है, इसी जगह पे है रोबोटिक गैलरी जहाँ पे रोबोट्स की ट्रायल हो रही है, और एक रेस्टोरेंट ऐसा बना हुआ है जहाँ पे रोबोट्स खाना सर्व करते हैं। ये है आईमैक्स 3D थिएटर, यहाँ पे टिकट्स के लिए बुकिंग बारी है और अभी बंद है, कोई है ही नहीं। और ये है मॉडल और ये है रियल इमेज, सामने आपको साइंस सिटी में दिख जाएगा 3D आईमैक्स। यहाँ पे आप 3D में मूवीज देख सकते हैं। पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है। हम इस पर से ऊपर जाएंगे और वहाँ ऊपर से सीढ़ी से उतरेंगे। ऊपर ठंडा रहता है और अगर आप 10 से 12 सीढ़ी नीचे आओगे तो वहाँ पे आपको गर्म लगेगा। तो चलिए देखते हैं नज़ारा कैसा लगता है, इंटरेस्टिंग नज़ारा होता है। ये आप नीचे से देख सकते हो, मैं वहाँ से आ रहा हूँ और ऊपर की ओर जाऊँ, ऊपर की तरफ जाऊँगा मैं। सो गाइस, कुछ इमेजेस लगे हुए हैं यहाँ पे। हाउ मनी टाइगर्स कैन यू सपोर्ट इन दिस पिक्चर्स, और ऊपर से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये देख लीजिए पार्क, यहाँ से हम सब आए थे। ऊपर गर्मी सा माहौल थोड़ा सा लग रहा है और थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो ठंडा सा लगेगा माहौल, बस थोड़ा सा फर्क है। यह है अर्थ, बहुत बड़ा अर्थ, ये नक्शा है पूरा अर्थ का, देख लीजिए बहुत बड़ा है। और इसके अंदर का नज़ारा दिखाएंगे हम लोग आप सभी को। घुमाओ इसे, बस सो गाइस, आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आग जल रहा है, बट इसके अंदर एक फैन का इस्तेमाल किया गया है और रेड कलर का कपड़ा यूज़ किया गया है, और रेड कलर की लाइटिंग की वजह से आपको लग रहा है इसमें आग लगी है, बट ये आग नहीं है, ये कपड़े का उपयोग किया गया है। आपको मैं इसे छू करके दिखाता हूँ, देख लीजिए कपड़े का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, कुछ पत्थर लगे हुए हैं कुछ रखे हुए हैं, और अब ये बॉल ऊपर चलाएंगे और हवा के जरिए से बॉल ऊपर जाएगा, देख लीजिए जा रही जा रही। सब्सक्राइब करें।